प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को 85,000 करोड़ की रेल परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें मध्य रेल मंडल नागपुर का बॉटल नेक कहे जाने वाले नागपुर वर्धा रेलखंड में तीसरी और चौथी लाइन का लोकार्पण भी शामिल है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल के अंतर्गत 10 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार शामिल है। आयोजित इस कार्यक्रम में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थित हुए थे। नागपुर के खापरी रेलवे स्टेशन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के साथ ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित थे। वहीं नागपुर स्थित कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य रूपराव शिंगरे, अनिल निधान, रेखाताई सोनटक्के उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव से कलमना के बीच, सालवा से कनान व धनौली से गुदमा तक तीसरी रेल लाइन का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा 10 नई वंदे भारत ट्रेनें, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 17 स्टेशनों पर ओएसपीएस के स्टॉल, 3 नए गुड्स रोड, 2 जन औषधि केंद्र, गतिशक्ति कार्गो आदि लोकार्पित किया गया। इतिहास में एक स्वर्णिम दिवस है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 85,000 करोड़ की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। उसमें से नागपुर मंडल में मुझे हर्ष है ये बताते हुए कि मध्य रेल नागपुर मंडल में 10 ऐसी जगह हैं जहां पर हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और इन इवेंट्स में लाइनों का, कुछ लाइंस हैं, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन का इनॉग्रेशन है। जैसे आज यहाँ पर हम लोग नागपुर से लेके सेवाग्राम तक की थर्ड एंड फोर्थ लाइन के इनॉग्रेशन के लिए सम्मिलित हुए हैं। हमारे यहाँ एक नया गुड्स शेड बन रहा है, एक गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है, और ओएसओपी ट्रॉलीज हैं, स्टॉल्स हैं। ओएसओपी स्टॉल्स और ट्रॉलीज बेसिकली एक स्टेशन एक प्रोडक्ट है, एंड इट इज़ अ कॉल फॉर वोकल फॉर लोकल, मतलब हम जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसको इनक्रेज करते हैं। तो एक ये बहुत ही हर्ष की बात है। जैसे हम सबको पता है कि लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं, और ये सारे प्रयास हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिससे कि रेलवे में लॉजिस्टिक्स का इम्पिटस मिला। हम लोग बहुत सारी नई लाइनें कर रहे हैं, विद्युतीकरण कर रहे हैं, और साथ ही साथ जनता के साथ हम लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं। और रेलवे का सभी तरह से जो विकास हो रहा, ये पहली बार रेलवे में हो रहा, वो हमारे मोदी साहब के साथ में इस रेलवे के ऑफिसर लोगों का भी उतना ही सहयोग है, और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। नरेंद्र जी मोदी साहब आज 85,000 करोड़ का उद्घाटन शिलान्यास देश में कर रहे हैं। उन्होंने एक वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड प्रस्थापित किया कि ऐसे सभी अपने वर्ल्ड के जो पीएम है, राष्ट्राध्यक्ष है, जो मोदी जी के तरफ ध्यान देके देखते हैं कि इन्होंने किस तरह का भारत का विकास किए। और ये विकास में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी लोग, सभी डिपार्टमेंट के इनका सहयोग है, और इसी के कारण हमारे नागपुर में मेट्रो हो गई। को नरेंद्र मोदी साहब जैसे पंतप्रधान मिले हैं, जो 10 साल में अगर अपन ने देखा जाए इस भारत देश का भाग्य बदलने का और पूरा चित्र बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। हमें इस बात का भी गर्व है, कभी अपना भारत देश 10 साल पहले अगर पीछे जाए तो कभी अपना भारत देश जिसकी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज 10 साल के अंदर में इसकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। ये सौभाग्य है हमारा, और 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था आने के कारण इस भारत का जो विकास हो रहा है, जनमानस का जो विकास हो रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, इसका कोई कारण होगा तो जो अपने भारत देश की अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर पे आई, इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आप देखो इसके 20, मेरे को लगता है अग्रवाल साहब कि 20 दिन पहले अपन ने रेलवे का आदरणीय मोदी साहब के हस्ते 155 अपने आरओ यानी उसका अंडरग्राउंड अपन
ब्रिज के अपन ने उद्घाटन किए थे 155, यानी हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, हर महीने में कोई नहीं कोई रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन हो रहा है। जितना उद्घाटन होगा, जितना रेलवे का काम होगा, उतना इस भारत का, देश के लिए इस रेलवे का बहुत बड़ा योगदान भी रहेगा। दोस्तों, कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।